प्रागादि घटाने का प्रयोजन क्या है, कैसे घटित हो, कि जब एक्चुअल में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा शांत होकर निर्णय करे, अनुभव करे, तो अपने आप ही रागादि उत्पन्न नहीं होते, और वैसा ही अनुभव करता रहे तो रागादि मिट जाते हैं। ये उपाय है, और बाहर में कोई उपाय नहीं है, और अपन सारे उपाय बाहर में करते हैं लेकिन रागादि मिटाने की फिर भी नहीं सोचते। भाई समझ में, ये मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान करने से रागादि मिटते हैं कि रागादि बढ़ते हैं? अच्छा बताओ, प्रतिमा विराजमान करते ना प्रक्षाल में तो घटते हैं रागादि के बढ़ते हैं? फिर ये बोलियाँ लगती हैं, बोलियाँ कि 1011 रुपये क्यों, कितनी लगती, 21,000 51,000, कौन उठाएगा प्रतिमा? तो इससे रागादि घटते हैं कि मानादिक का पोषण होता है? जैनियों के सारे सिस्टम मानादिक के पोषण के बने हुए हैं, मानादिक घटाने के अपने सिस्टम ही नहीं। हर चीज़ की तो बोली लगाते हैं अपन, जबकि बोली लगाना प्रत्यक्ष मानादिक का पोषण करना है, दूसरे को नीचे दिखाना है कि नहीं दिखाना। लेकिन पैसा इकट्ठा करने का अपन को कोई उपाय नहीं सूझा, तो अपन ने मान का धंधा चालू किया, भाई मान बेचो, सम्मान बेचो तो लोग पैसा देंगे। ऐसे अपन ने पुण्य को बेचना चालू किया कि प्रतिमा विराजमान करने में बहुत साथी से पुण्य लगता है, एक प्रतिमा आपकी देखो। लोग पता, आज तक मंदिर बनने में कभी भी पैसा की कमी नहीं पड़ी, देखी तुम? सब कहते अरे मंदिर क्यों बन जाएगा, तो मंदिर यूँ क्यों बन जाएगा भैया? लेकिन एक पाठशाला चलानी हो, एक जरा सा कोई जैन धर्म का स्कूल चलाना हो, विद्यालय चलाना हो, तो ये समाज बिल्कुल ऐसे ही हाथ बांध लेती है। लेकिन अभी उसको मंदिर बोलो तो कहते सब लोग क्यों, कि उसके ऐसा भर दिया है कि प्रतिमा विराजमान करने से साथ ही सैकुंड बंद होता है, और अकेला एक बार नहीं होता बंद, कंटिन्यू बंद होता रहता है। कैसे, कि भगवान के जो जो दर्शन करने आते हैं उसका 10% तुम्हारे खाते में जाता है। तो वो कहते जी बहुत अच्छा है, ये तो जैनियों की पढ़ाई लिखाई है,